हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं अंडरस्कोर का मतलब हिंदी में क्या होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते अंडरस्कोर। अंडरस्कोर तो बोलते हैं, कई लोग हिंदी में इसका मतलब नहीं जानते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं अंडरस्कोर का हिंदी। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि कोई सा भी वीडियो मैं डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन उसके पास जाए और उस वीडियो को आप देख सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, ये आपको तीन चार चीज़ें बताऊंगा इसका मतलब। सबसे पहला बात तो इसको आप हिंदी में कह सकते हैं शब्दों को रेखांकित करना, यानी कि कोई सा भी शब्द है उसके नीचे जो लाइन लगा हुआ रहता है, अगर उसको नीचे लाइन लगाया हुआ है वही अंडरस्कोर होता है, यानी शब्दों को रेखांकित करना इसका मतलब तय होता है। और इसको हम अंडरस्कोर को हिंदी में अधो डैश भी बोल सकते हैं, अधो डैश भी बोल सकते हैं, और भी है अंडरस्कोर का मतलब अधोयोजक भी बोल सकते हैं हम हिंदी में, अधोयोजक। उसके बाद है अंडरस्कोर का हिंदी है बल देना, यानी कि दोस्तों इन सब का मतलब यही है कि जिस शब्द के नीचे ये लगा हुआ है उसका कहना है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, इसको पढ़ना है, यानी कि ज़रूरी। किसी शब्द के ऊपर नीचे लाइन लगा हुआ है, सॉरी ऊपर नहीं नीचे, तो उसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि वो अंडरलाइन है, तो उसको मतलब पढ़ना है, जांच करना है, मतलब चेक करना है प्रॉपर तरीके से। तो इसका मतलब यही होता है अंडरस्कोर का मतलब। मतलब एक तरह से रिमाइंडर है, रिमाइंड कहलाता है कि हाँ यहाँ पे आपका ये काम करना है, ये मतलब हिंदी में मतलब इसका अंडरस्कोर का मतलब यही होता है। अब तीन चार चीज़ें भी जानेंगे, बल देना, अधोयोजक, अधो डैश, शब्दों के रेखांकित करना। तो दोस्तों यही है अंडरस्कोर का मतलब, और कुछ भी नहीं है, याद रख लिया। आज के बाद कोई पूछ भी सकता है आपसे, कई जगह पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बाय बाय।